Dear students, welcome to Krishna classes. A different kind of a school is the chapter which we will study today. It has been written by E.V. Lucas. ये school different तो है, पर कैसे? वो तो हमें इसको पढ़ने पर ही पता चलेगा. So let's begin without any further delay. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था बट टिल द लास्ट वीक नो अपॉर्चुनिटी हैड बीन देयर टू विजिट इट. पिछले हफ्ते के अलावा कभी कोई ऐसा अवसर आया ही नहीं था कि मैं उसे विजिट कर पाऊं. व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट. जब मैं पहुंचा वहां तो सामने कोई भी नहीं था बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 सिवाय एक 12 साल की बच्ची के. Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. और वो flower beds के बीच में से सावधानी पूर्वक एक छोटे बच्चे के द्वारा ले जाई जा रही थी. Who was about 4 years younger. जो उससे करीब 4 साल छोटा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और ऐसा लगा जैसे कि उसने पूछा हो कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. और वो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बारे में उस बच्ची को बता रहा हो, मुझे डिस्क्राइब कर रहा हो. Then they passed on. और फिर वो आगे चले गए. Miss Beam was all that I had expected. Miss Beam वैसी ही थी जैसे कि मैंने उम्मीद की थी. Middle aged, बीच की उम्र की, full of authority, रॉबीले स्वभाव वाली, yet kindly, फिर भी दयालुता का भाव भी था, and understanding, और दूसरों के प्रति समझदारी का भाव भी था, दूसरों की बातें, दूसरे बच्चों की बातें समझने का भाव भी उनमें था. Her hair was beginning to turn grey, उनके बाल सफेद होने लगे थे, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child, और उनका जो शरीर था कुछ हद तक मोटा या गोल सा था जिससे किसी भी बच्चे को जो होमसिक फील कर रहा हो यानी जिसे घर की याद आ रही हो उसे कंफर्ट मिले या सांत्वना पहुंचे. क्योंकि ज्यादातर मदर्स थोड़ी राउंड सी होती हैं, प्लम्प सी होती हैं, तो उनका फिगर भी कुछ ऐसा ही था जिससे कि बच्चे उनसे अपनी बात कह पाए और उन्हें वो कुछ हद तक उनकी माँ की भी याद दिलाती हुई लगे. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मैंने उनसे उनकी teaching methods के बारे में, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में कुछ सवाल पूछे, जो कि मैंने सुना था कि बहुत simple तरीका था, यानी वो बहुत simple तरीके से पढ़ाती थीं. No more than is needed to help them to learn how to do things. ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता. सिर्फ इतना ही जिससे उन्हें कुछ चीजों को करने के लिए मदद मिल सके. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. स्पेलिंग्स, एडिंग यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना एंड राइटिंग लिखना. द रेस्ट ऑफ द टीचिंग इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स. बाकी की जो शिक्षा है वो उनको पढ़ के सुनाकर और रोचक बातों के जरिए होती है. During which they have to sit still and keep their hands quiet. और इसके दौरान उन्हें शांत बैठना पड़ता है और अपने हाथों को भी एकदम शांति से रखना पड़ता है. There are practically no other lessons. There are almost no other lessons. इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता और कोई पाठ नहीं होते. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. इस स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है वो विचार पढ़ाना उतना नहीं है जितना कि बच्चों को विचारवान बनाना. Kindness to others and being responsible citizens. दूसरों के प्रति दया की भावना रखना और जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाना. Look out of the window a minute, will you? खिड़की से बाहर देखिए एक मिनट के लिए, क्या आप देखेंगे? I went to the window which overlooked a large garden
एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। मैं एक खिड़की के पास गया जिससे कि एक बड़ा सा बगीचा दिखाई देता था और पीछे की तरफ एक खेल का मैदान। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने पूछा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड, आई सेड। मैंने कहा, मुझे बहुत सुंदर ग्राउंड अर्थात गार्डन और प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड का मतलब है जमीन, पर यहां पर ग्राउंड से मतलब है गार्डन और प्ले ग्राउंड। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, पर इस बात को देख के मुझे बहुत तकलीफ पहुंच रही है कि वो सबके सब हेल्दी और एक्टिव लुकिंग या एनर्जेटिक लुकिंग नहीं है, यानी कि उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि स्वस्थ नहीं हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about। जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक बेचारी बच्ची को हाथ पकड़ के ले जाया जा रहा था। Led about means taken by hand। She has some trouble with her eyes। उसकी आंखों में कुछ परेशानी है। Now I can see two more with the same difficulty। और अब मुझे उसी परेशानी वाली दो और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक बच्ची है जिसके पास एक क्रच है, यानी एक वॉकिंग स्टिक है या सपोर्ट है, और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो एक विकलांग बच्ची दिखाई दे रही है, एक ऐसी बच्ची जिसके लिए कोई आशा नहीं बची है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेल पाएगी। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंस पड़ी। ओह नो शी सेड, उन्होंने कहा, अरे नहीं, शी इज नॉट रियली लेम, वो वास्तव में अपाहिज नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये सिर्फ उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, दूसरे बच्चे भी वास्तव में अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये सिर्फ उनका ब्लाइंड डे है। I must have looked very surprised। मैं बहुत आश्चर्यचकित लग रहा होऊंगा। For she laughed again, क्योंकि वो दोबारा हंस पड़ी। This is a very important part of our system। ये हमारे पढ़ाने के तरीके का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too। हम अपने बच्चों को मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य के बारे में समझाने के लिए उन्हें मिसफॉर्च्यून में शेयर करने को कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरों की तकलीफ और दुख को समझ पाएं, इसके लिए हम उन्हें उस दुख और तकलीफ को शेयर करने के लिए कहते हैं या उन्हें उस दुख और तकलीफ को शेयर करवाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, हर टर्म में एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है जब उसे अंधे की तरह पूरा दिन बिताना पड़ता है। वन लेम डे, एक अपाहिज वाला दिन या एक क्रिपल डे होता है। वन डेफ डे, एक डेफ डे होता है जब वो बहरे की तरह पूरा दिन बताता है। वन इंजर्ड डे, एक इंजरी वाला दिन होता है जब उसे जैसे कि कोई चोट लगी हो इस तरीके से अपना पूरा दिन गुजारना पड़ता है। एंड वन डम्ब डे, और एक दिन उसे गूंगे की तरह जीवन जीना पड़ता है, ताकि वो ऐसे लोग जिनको ये सारी तकलीफें होती हैं उनके बारे में समझ पाएं, उनकी तकलीफों के बारे में उन्हें वास्तव में संवेदना महसूस हो सके। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. Blind day के दिन उनकी आंखों पर पूरी तरीके से पट्टी बांध दी जाती है और they are on their honor not to peep. Peep का मतलब होता है झांकना, और उनके लिए ये प्रतिष्ठा की बात हो जाती है कि वो पट्टी को हटा करके न झांकें या पट्टी के अंदर से भी देखने की कोशिश न करें। The bandage is put on overnight, so they wake blind. पट्टी रात में ही बांध दी जाती है, तो जब वो उठते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। They wake blind,
वो एक अंधे की तरह जगते हैं. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब ये है कि उन्हें हर चीज के लिए मदद की जरूरत होती है. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. दूसरे बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उनकी मदद करें और उन्हें लेकर के जाएं. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. वो दोनों ही इस तरीके से बहुत कुछ सीखते हैं, अंधे बच्चे भी जो अंधे बने हुए होते हैं और जिनको उनकी मदद का काम दिया जाता है, यानी कि उनके हेल्पर्स. देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड. मिस बीम ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, इसमें कोई बहुत दुख या खेद जैसी बात नहीं होती है. एवरी वन इज वेरी काइंड, हर कोई बहुत दयालु होता है. एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और वास्तव में तो बच्चों के लिए एक खेल बन जाता है. बिफोर द डे इज ओवर दो, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज. लेकिन दिन के समाप्त होने से पहले जो सबसे थॉटलेस या बेपरवाह बच्चा है, वो भी यह अनुभव करने लगता है कि दुर्भाग्य क्या होता है. द ब्लाइंड डे इज ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट. ब्लाइंड डे सबसे खराब होता है. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट. लेकिन कुछ बच्चे मुझे ये बताते हैं कि डम्ब डे सबसे मुश्किल है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स. हम बच्चों के मुंह पर तो पट्टी बांध नहीं सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. तो उन्हें अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा ही खुद के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. बगीचे में आइए और खुद देखिए कि बच्चे इस बारे में क्या अनुभव करते हैं या वो कैसा इस बारे में फील करते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स. मिस बीम मुझे एक ऐसी बच्ची के पास ले गई जिसके आंख पर पट्टी बंधी थी. हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. मिस बीम ने कहा, यहाँ एक सज्जन है जो आपसे बात करने के लिए आए हैं, और फिर वो हमें छोड़कर चली गई. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने उस बच्ची से पूछा, क्या कभी भी तुम इसके अंदर से झांकती नहीं हो. ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड. उसने आश्चर्यचकित भरे स्वर में कहा, अरे नहीं, दैट वुड बी चीटिंग. ऐसा करना तो धोखा देना होगा. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. पर जब तक मेरे आंखों पर यह पट्टी नहीं बंधी थी या जब तक कि मेरा ब्लाइंड डे नहीं हुआ था, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि अंधा होना इतना ज्यादा खराब होता है. यू कांट सी अ थिंग, आप एक भी चीज देख नहीं सकते. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. और हर क्षण आपको ये लगता रहता है कि आप किसी न किसी चीज से टकराने वाले हो या आपको चोट लगने वाली है. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और सिर्फ बैठने भर से ही बहुत राहत मिलती है, बड़ा आराम मिलता है. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे प्रति दयालु हैं. फेयरली, काफी हद तक. बट दे आर नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी वेन इट इज माई टर्न. पर वो उतने सावधान नहीं है जितना कि मैं होंगी जब मेरा नंबर आएगा. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. जो पहले ही ब्लाइंड बन चुके होते हैं वो सबसे बेस्ट हेल्पर्स होते हैं. इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी. न देख पाना बहुत ही कष्टपूर्ण होता है, डरावना होता है. आई विश यू वुड ट्राई. मुझे लगता है आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए, या मेरी कामना है कि आप भी इसे ट्राई करें. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं पर ले चलूं. ओ यस, शी सेड. उसने कहा, हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. आइए एक छोटे वॉक पर चलें. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. सिर्फ एक ही बात है कि आपको मुझे चीजों के बारे में बताना पड़ेगा. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर. जब आज का दिन समाप्त होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. जो दूसरे खराब दिन हैं, वो इसके आधे के बराबर भी खराब नहीं हो सकते.
Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. एक पैर बांध दिया जाना और क्रच के ऊपर कूदना तो मुझे लगता है कि काफी हद तक मजेदार ही है. Having an arm tied up is a bit more troublesome. हाँ, एक हाथ को बांध दिया जाना कुछ ज्यादा परेशानी वाला है. Because you can't eat without help and things like that. क्योंकि आप बगैर मदद के खा नहीं सकते और कुछ ऐसे ही काम नहीं कर सकते. I don't think I'll mind being deaf for a day. मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन के लिए बहरा बनने को माइंड करूंगी. At least not much. अगर करूंगी भी तो ज्यादा नहीं. But being blind is so frightening. लेकिन अंधा होना तो बहुत डरावना होता है. My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. मेरे सिर में दर्द होता रहता है सिर्फ इस चिंता से कि मुझे कहीं चोट न लग जाए. Where are we now? अब हम कहां पर हैं? In the playground, I said. मैंने कहा खेल के मैदान में. We are walking towards the house. हम घर की तरफ जा रहे हैं. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. Miss Beam garden में ऊपर और नीचे की तरफ चल रही हैं एक लंबी सी लड़की के साथ. What is the girl wearing? My little friend asked. मेरी छोटी मित्र ने पूछा, वो लड़की क्या पहने हुए है? A blue cotton skirt and a pink blouse. मैंने बताया कि वो एक नीले रंग की कॉटन की स्कर्ट और पिंक कलर का शर्ट या ब्लाउज पहने हुए है. I think it's Millie, she said. उसने कहा, मुझे लगता है कि वो शायद मिली है. What color is her hair? उसके बालों का रंग कैसा है? Very light, I said. बहुत हल्का. Yes, that's Millie. She is the head girl. हाँ, वो मिली ही है और वो head girl है. There is an old man tying up roses, I said. मैंने कहा, एक बूढ़ा आदमी गुलाबों को बांध रहा है. Yes, that's Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. हाँ, वो पीटर है. वो माली है और वो कई सौ साल बूढ़ा है. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. और यहाँ एक लड़की आ रही है जिसके की curly red hair हैं, घुंघराले लाल बाल हैं. She is on crutches. और वो crutches यानी walking sticks की help से चल रही है. That's Anita, she said. उसने कहा, अरे वो अनीता है. And so we walked on. और इस प्रकार हम चलते रहे. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. Slowly मैंने ये पाया, ये discover किया कि मैं जैसा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा, उससे 10 गुना ज़्यादा विचारवान बन चुका था. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. और मैंने ये भी realize किया कि अगर मुझे किसी को लोगों और चीजों को डिस्क्राइब करके बताना पड़े, चीजों और लोगों का वर्णन करना पड़े, तो ऐसा करना मेरे लिए उन चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता था. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब आखिरकार मुझे वहां से जाना पड़ा तो मैंने मिस बीम को कहा कि मुझे वहां से जाने में बड़ा खेद हो रहा था. आ शी रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया. Then there is something in my system after all. तो फिर तब तो जरूर कुछ न कुछ बात मेरे सिस्टम में है, ऐसा मिस बीम ने कहा. Hello young friends, I hope you liked this video. Please do subscribe to our channel Krishna Classes. बच्चों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.